वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप किसी भी मैटर को, चाहे वो हिंदी में लिखा हो चाहे वो अंग्रेजी में लिखा हो, आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी भाषाएं आप चाइनीज़ में, मलयालम में, तमिल में, कई सारे भाषाओं में परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। तो आप मैं कैसे करना है उसको मैं दिखाता हूँ। उसके लिए आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे मैं आपको ये टेक्स्ट दिखाता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है हिंदी का। आपको क्या करना है, कोई भी हिंदी का ऐसे टेक्स्ट लेना है और उसको आपको कॉपी कर लेना है, उसको लॉन्ग प्रेस करना है, सेलेक्ट ऑल करके आपको उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। जैसे ही आप गूगल ट्रांसलेट सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें इसका एड्रेस है translate.google.co.in। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आप हिंदी और उर्दू सेलेक्ट दिखाई दे रहा है। आप हिंदी पे अगर टैप करते हैं तो आप यहाँ हिंदी ही रहने देंगे, क्योंकि हमने हिंदी का मैटर लिया है, और उर्दू की जगह हम इसको इंग्लिश कर लेते हैं। उर्दू की जगह हम यहाँ इंग्लिश कर लेते हैं, अंग्रेजी यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको या तो यहाँ माइक भी दे रखा है, आप इसको यहाँ पे बोलकर भी आप इसको हिंदी को अंग्रेजी कर सकते हैं या अंग्रेजी को हिंदी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है और इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही ये पेस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये सब पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे एक एरो का निशान है ब्लू कलर में, आपको इसको टैप करना है। जैसे ही आपने टैप किया तो आप देख सकते हैं जो भी हिंदी का मैटर था वो जो है यहाँ देखिए ब्लू उसमें क्या कहते हैं अंग्रेजी में हो चुका है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह वॉज बॉर्न इन पटना बिहार, ये सारा का सारा मैटर जो है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुका है। आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी है, पेन का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर कोई लैंग्वेज जैसे हिंदी का है, आपको अंग्रेजी की जगह कोई दूसरा लैंग्वेज आपको मलयालम में करना है, तो आप यहाँ मलयालम सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मलयालम में चेंज हो गया। आप इसको यदि कॉपी करना है आपको, तो पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे नीचे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए, आपको अनुवाद कॉपी किया गया है। कॉपी करने के बाद फिर आप जहाँ भी उसको सेव करना चाहते हैं नोट्स में, वहाँ आप नया नोट्स ओपन कर लीजिए, फिर यहाँ लॉन्ग प्रेस कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा मैटर यहाँ मलयालम में पेस्ट हो चुका है और इससे हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा कि किसी भी लैंग्वेज को हम किसी भी अन्य लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, वो भी जस्ट मिनटों में। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।